ये विषय SCERT और उससे जुड़े हुए सारा शिक्षक समूह, और एक बच्चा को मैंने देखा, हमारे छोटा बच्चा कहाँ से आया था जो उसको हमने वॉलंटियर करके सम्मानित किया, चंडीगढ़ की वो छोटा सा बालक शायद 8वीं 9वीं में पढ़ता होगा, 8वीं 9वीं की विद्यार्थी भी शिक्षक बन सकता है आने वाले दिनों में। तो हम जो शिक्षक बनेगा, विशेष करके छात्र, हमारे पास ऐसे कहा जाता है, पता स्पष्टता से नहीं है, 20-25 करोड़ लोग निरक्षर हैं, अक्षर और संख्या ज्ञान से दूर है। हमारे देश में विद्यार्थी ही 30 करोड़ हैं। यहां तो हमारे पुलिस भाई भी आ गया था शिक्षा देने के लिए, स्वयं से भी बंधु तो आ गए थे, सबको जोड़ना है। लेकिन छात्र अगर चाहेगा कि मैं एक को साक्षर कर दूं, और अभी तो हम लोगों ने उसको टॉफी देने की भी तय किया है, जो करेगा टॉफी उसकी मार्कशीट में आएगा। नया क्रेडिट आर्किटेक्चर में जो जितना विद्यार्थियों को साक्षर करेगा उसको उतना ही क्रेडिट पॉइंट अर्न करेगा, उसको कैरियर ग्रोथ में मदद करेगा। इसलिए इसको एक जन आंदोलन बनानी है। जन आंदोलन को सफल करानी है तो पद्धति को लोकाभिमुखी करना पड़ेगा। आज भी जो बंधु सब SCERT से आए थे, ये सब अपने परंपरागत शिक्षक और विद्यार्थियों की स्तर पे हैं। आपको और एक स्टेप नीचे जाना पड़ेगा, कुछ मित्रों ने गया भी है। मैं सुझाव दूंगा संजय जी को कि आप जल्द ही ऐसे एक्सपर्ट्स की एक 7 दिन की इस बाल भवन में वर्कशॉप करिए, जो बेस्ट प्रैक्टिस है से खुल के चर्चा हो। और हम बुलाएं किसको, हम ऐसे समाज की जिनको चाहिए शिक्षा, उनको, वो क्या समझना चाहते हैं। ऐसे हम शिक्षकों की एक मोह भी है, हम जो जानते हो सही है, सही भी है, और हम अपने तरीके से उसको ही पढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए तो इतने लोग आपसे डर के भागे, स्कूल नहीं आए। अभी थोड़ा उसको रिवर्स करते हैं, रिवर्स करके वो क्या चाहता है, वो कैसे समझना चाहता है, उसको एक पद्धति पेडागोगी बनाइए, उसकी हैंडबुक बने, उसकी डिजिटल कैप्सूल बने, और ये स्किल के साथ जोड़े, रोजगार के साथ जोड़े। सब कामकाजी लोग हैं। अब देश में 47 तक 30 ट्रिलियन डॉलर साइज बनानी है, आज उसकी साइज है $4 ट्रिलियन। $4 ट्रिलियन से $30 ट्रिलियन बनाना, यानी देश में रोजगार ज्यादा बढ़ाना, आमदनी ज्यादा बढ़ाना। पढ़ेंगे समझेंगे तब जाके तो बढ़ेगा, इसीलिए उल्लास के बिना कोई गति नहीं है। मैं आपको तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं कि आप सबसे मजबूत स्तंभ की काम कर रहे हो, विकसित भारत की सबसे मजबूत स्तंभ उल्लास है। हमें बहुत अच्छा लगा, मैं आप सभी को बधाई देता हूं, सबको सर्टिफिकेट मिलेगा NYS की, NYS पर। उसमें से सरोज मैडम नया बुद्धि नहीं लगाना कि मैं NYS हूं, मैं एक स्वतंत्र साम्राज्य हूं, मैं UN की बहन हूं और मैं एक अलग कार्यकुलम चलाऊंगा, ऐसे नहीं करना। जो उल्लास की कार्यकुलम सामूहिक पद्धति से आएगा, और इस बार NCERT की उषा मैडम को मैंने थोड़ा मेरा मत बताया, मैं क्या करूं, उषा मैडम मैं हूं ही ऐसा, लेकिन मैं आपकी छोटे भाई के नाते क्षमा भी मांग लेता हूं कि आप लादो मत। NCERT 50 साल तक चीजों को लाद दिया है। नाकलानी जी, आप दायित्व से भागना नहीं है। लोग कैसे समझना चाहते हैं वो सबसे चुनौती है, वो कैसे जानना चाहते हैं, उनकी भाषा क्या होगी। जो हमारे सरदार जी मित्र आया था, शायद वो NCERT के फ्रेमवर्क में नहीं आएगा, लेकिन उसको समझना महत्व है। वो जैसे समझना चाहिए ऐसे समझाइए, ऐसे कैरिकुलम बनाइए। ये जो बॉटम अप अप्रोच है, इसी में से ही ये दुनिया खड़े होने वाले हैं। मैं फिर हमारे विभाग के सभी अधिकारियों को, विशेष करके आदरणीय अर्चना जी को कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ, उन्होंने इसको हम सभी को जोड़ने में
सफल रहा, मैं फिर इस कार्यक्रम में मेरे को एक जाना है, फिर भी मैं और अच्छा लगता कि मैं सभी की एक्सपीरियंस को सुनता, लेकिन इस सभी की एक्सपीरियंस को हम लोग, आप याद रखिए यही समय ही सही समय है, और जो देश की प्रधानमंत्री जी ने देश को आह्वान किया है विकसित भारत बनाना, फिर मैं कह रहा हूं उल्लास ही उल्लास देश में लाएगा। बहुत धन्यवाद। जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।